everyone, welcome to your own YouTube channel Study with Rameshwar. So this is the week 7 activity Who Am I, and it is for tiny tots of classes 1 and 2. So I request all the viewers who are watching this video, so our tiny tots, they are performing, they are doing the activity, and it's just a motivation for them. So if you are watching this video, so please watch it completely and just share with your friends and just give the motivation to our tiny tots who are reading, because reading is very important to improve ourselves. Okay, so in this activity you are going to watch character mapping. So the activity name is character mapping. Children can be encouraged to identify the main characters of the story and their attributes and read it to the whole class. So watch it whole, which are the activities performed by the children. Good morning all of you. Today I am telling you about myself. My name is Vian Vishal Kitare. My father's name is Vishal Kitare. My mother's name is Priti Vishal Kitare. I am 7 years old. My school name is Kendriya Vidyalaya No. 1 Devlali. I am studying first A. My teacher name is Meeru Ma'am, Sushma Ma'am. I do my homework on time. I do exercise in the morning. My favorite color is orange. My hobbies are reading book, playing cricket, drawing, watch TV, playing with my little brother. I like eat two healthy food, green vegetables, pulses and fruits. But once in a while, I like eat two pizza and ice cream. I love my family. It was all about myself. Thank you. Mera naam Mohammad Shah hai. Main first A mein padhta hoon. Meri school ka naam Kendriya Vidyalaya No. 1. Meri teacher ka naam Nehru Ma'am and Sushma Ma'am hai. Mere papa ka naam Shakir Sheikh hai. मेरी मम्मी का नाम शीलिन शेख है। मैं आज आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर आर्मी ऑफिसर बनूंगा। बॉर्डर पे जाकर मेरे साथियों की और देश की रक्षा करूँगा। चाहे मुझे जान भी कुर्बान करना पड़े तो मैं कुर्बान करूँगा। बाय सर। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम है हर्षा लक्ष्मण सीमा। मैं पढ़ती क्लास फर्स्ट ए में, रीडिंग 100 डेज वीक 7 एक्टिविटी। मेरी कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ। यह एक बड़ा सा पेड़ है, इस पे कुछ मीठे फल लगे हैं। यह बंदर इस पे लटक रहा है और कुछ मीठे फल एक मगरमच्छ को खिला रहा है। इधर कुछ पेड़ है और बादल है और यह बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठा है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं बंदर और मगरमच्छ। इसमें मगरमच्छ और उसकी बीवी बंदर को खाने वाले थे, लेकिन बंदर ने सोच समझकर मगरमच्छ को बुद्धू बनाया और अपनी जान बचा ली। थैंक यू मैम। मॉर्निंग मैम, मेरा नाम है आरोही नैनेश्वर निशा। मेरा स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय फर्स्ट क्लास ए। मेरा क्लास टीचर का नाम है नीरू मैम। 100 डेज कैंपियन 7 वीक एक्टिविटी। इस किताब का नाम है कहानियाँ ही कहानियाँ। इसमें बहुत सारी कहानियाँ है। इसमें ये बताया गया है कि जोश में आकर
कोई भी काम नहीं करना चाहिए, समझदारी से करना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम है सर उत्तम बड़े, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको कहानी के बारे में बता रहा हूँ। उस कहानी का नाम है चींटी और कबूतर। इस कहानी में तीन पात्र है, चींटी, कबूतर और बहेलिया। कहानी के महत्वपूर्ण पात्र चींटी और कबूतर है। कबूतर चींटी की पत्ते के सहारे जान बचाता है, उसी तरह चींटी भी अपना फर्ज निभाते हुए बहेलिया से कबूतर की जान बचाती है। इस तरह हमें यह सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला। धन्यवाद। सर, मेरा नाम अदिति दुबे है, मैं दूसरी आ की छात्रा हूँ। मेरी कहानी का नाम है चतुर खरगोश। खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी के कारण आदमी को शेर से बचाया, इसलिए इसमें मैन कैरेक्टर है खरगोश। मैं आपको खरगोश के बारे में बताऊंगी। खरगोश की आंखें रात में चमकती हैं। खरगोश एक फुर्तीला जानवर है। खरगोश बहुत सॉफ्ट और सुंदर होता है। खरगोश का दिमाग बहुत ही तेज होता है। खरगोश अपनी बुद्धिमानी के कारण सभी जानवरों में प्रसिद्ध है। मेरा नाम श्रुति संपत मुट्टक, मैं कक्षा दूसरी ब में पढ़ती हूँ। चींटी और कबूतर की विशेषता बताने जा रही हूँ। कबूतर ने चींटी को जीवन दान दिया और चींटी ने ही धन्यवाद बोलकर प्राण बचाए। तुमने मेरे सदा रखूंगी याद। और एक दिन आया, चींटी के बुद्धि ने ही कबूतर की बचाई जान। उसमें यह सीख मिलती है, भला करोगे तो भलाई होगा। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज स्मिता मुसले, आई स्टडी इन क्लास सेकेंड बी। मेरे कहानी का नाम है चींटी और कबूतर। मेरे कहानी का मेन कैरेक्टर है चींटी और कबूतर। आज मैं कबूतर की विशेषता बताने वाली हूँ। कबूतर एक बहुत खूबसूरत पक्षी है। कबूतर एक पालतू पक्षी है। कबूतर ज़्यादातर सफ़ेद और स्लेटी रंगों में पाया जाता है। कबूतर अनाज, फल और पत्ते खाता है। कबूतर की आवाज को गुटरगू कहते हैं। चींटी के बारे में विशेषता। चींटी बहुत छोटी होती है। चींटी के चार पैर होते हैं। चींटी दो रंगों में होती है। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मेरा नाम सार्थक पांडे है, मैं दूसरी अ कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, एक दिन एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसे डूबते हुए देख लिया और उसकी जान बचाने के लिए पेड़ का पत्ता तोड़कर और तालाब में फेंक दिया। फिर चींटी झट से उस पत्ते पर चढ़ गई और बड़ी नजरों से कबूतर का धन्यवाद करने लगी। कुछ सप्ताह के बाद जंगल में एक शिकारी आया। एक जगह दाने फेंक दिए और दूर जाकर बंदूक से निशाना लगाया। कुछ देर बाद कबूतर दाने खाने आ गया और चींटी ने कबूतर को याद किया और ना हो शिकारी के पास चल पड़ी और उसके पेड़
पेड़ पर बहुत जोर से कटा और उसको शिकारी बहुत चिल्लाया और उसका निशाना चूक गया। इस तरह उन दोनों की जान बच कबूतर की जान बच गई और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। शिक्षा, विपत्ति के समय जो हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। थैंक यू सर।